व्हाट्सअप का तो इस्तेमाल हो गया है। तो आज हम करेंगे हमारे ब्रदर का जो प्रिंटर है जो हमने थोड़े दिन पहले खरीदा था, इसका सेटअप करके देखेंगे और इसके अंदर इंक आपने कैसे डालनी है वो देखेंगे। प्रोसेस बहुत ही आसान है, पर जिसको थोड़ी बोटी में दिक्कत हो रही हो तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। बाय चांस मेरे से कोई गलती हो गई तो मैं बता दूँगा, क्योंकि मैं अभी फर्स्ट टाइम ही करूँगा। तो फिर भी जो मुझे जो दो मैंने देखा है उसके हिसाब से मैं आप करके देखूँगा। तो दोस्तों आइए इसकी सेटअप करके देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारा प्रिंटर है और इसको मैंने अपनी पावर से जो है कनेक्ट कर दिया है, और आइए इसको ऑन करते हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम हो रहा है। तो कुछ अपनी जो है मोटर को जो है रोल्स को एडजस्ट करेगा, तो आपको थोड़ी देर एक दो मिनट इसको छोड़ना पड़ेगा। ये देखिए अपनी जो है कार्ट्रिज जो है इनके रोल को एडजस्ट कर रहा है, कहाँ पे क्या है। दोस्तों ये हम खोलते हैं, अगर देखेंगे तो यहाँ पे आ जाता है हमारा डेट और टाइम का ऑप्शन। आपको करना हो तो इसको ओके करना पड़ेगा। तो अब अगर मैं ओके प्रेस करूँगा तो देखेंगे ईयर आ रहा है 2018 डिफॉल्ट और हमारा चल रहा है 20, और इसको मैं करता हूँ ओके। अब मंथ है हमारा थर्ड मार्च चल रहा है हमारा, तो तीसरा महीना देखिए मैं ओके करूँगा। और हमारी तारीख है आज 10 तारीख, तो देखिए अब मैं इसको एडजस्ट कर दूंगा। और आपको देखना है कि 24 घंटे की घड़ी चाहिए या आपको चाहिए है 12 घंटे की। तो हम मुझे पसंद है कि 12 घंटे की, कि 12 बजे टाइम मिलता है। और टाइम हमारा हो रहा है अभी मुझे पक्का पता नहीं है, क्योंकि मुझे देखना पड़ेगा, 1:21। अब आपको उसको दबाए रखेंगे तो आपका जो है अपने आप जो है टाइम चेंज होता रहेगा। देखिए 1:21 हो रहे हैं और AM है कि PM, और ये हमारा AM है कि रात का टाइम हो रहा है। फिल इंक टैंक ओपन द कवर, तो इसमें कह रहा है कि अब आपने जो है इंक टैंक को खोलिए। तो सही खोल के देखते हैं इसको। तो ये खोलते देखिए आपका ये खुल जाएगा, और ये हमें जो कलर्स मिले हैं ये कलर मैं डालूंगा इसके अंदर। तो सबसे पहले जो है ब्लैक, और ब्लैक की बॉटल जो है सबसे बड़ी है, क्योंकि यूजुअली जो है हर चीज़ के अंदर ब्लैक यूज होता है, ब्लैक कलर सबसे ज़्यादा यूज होता है और कलर्ड प्रिंटर लोग ज़्यादा निकालते नहीं हैं अगर आप ब्लैक से कंपेयर करेंगे तो, क्योंकि फोटो कॉपी वगैरह सब चीज़ें ब्लैक में ही होती। तो हमें ब्लैक की जो है दो बॉटल्स भी ली हैं, हमें तो इसके अंदर एक ही डालनी पड़ेगी। और जहाँ तक मैं देख सकता हूँ कि ब्लैक वाले का टैंक जो है हमारा थोड़ा सा बड़ा है बाकी सबसे, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो उसको बनी हुई है देखिए, ब्लैक अलग अलग कलर बने हुए हैं हमारे। और इस पैकेट को खोलते हैं तो सर इस पैकेट पर लिखा भी हुआ है कि ये देखिए 180 दिन। तो अगर आप पैकेट खोलते ही 180 दिन के अंदर यूज़ कर लें तो प्रिंट क्वालिटी जो है आपकी जो बेस्ट ऑफ बेस्ट आएगी। ऐसा नहीं है कि प्रिंट 8-9-10 महीने बाद भी कुछ दिक्कत हो, पर आपकी जो है 6 महीने के अंदर जो आप करेंगे वो प्रेफरेबली बेटर है, रिकमेंडेड जिसे कहते हैं। तो सही हम करेंगे और जो है इसको अपना खोल देंगे, और कोशिश करें कि आप जब भी काम कर रहे हो तो आप एक बंद रूम के अंदर हो, क्योंकि बाहर से मिट्टी विट्टी आती तो आपके कलर में पेज पे आएगी तो वो ख़राब हो सकती है। और अगर मैं देखूं तो देखिए एक बार में खुल गया हमारा ये। अगर आप चेक करें कि इसके अंदर ये सील लगी हुई है देखिए प्लास्टिक की, और इसको खोलते हैं अब। खोलने के बाद वापस ढक्कन बंद कर दीजिए, और अब आप मैं इसके अंदर अपनी जो है इंक जो है इसके अंदर भर दूंगा।
तो दोस्तों इसको करते ही अगर आप देखेंगे तो हमारा जो है पूछेगा कि आपने जो है पूरी फिल कर दी है यस और नो। तो मैं यस पे क्लिक करूँगा, यस पे ऊपर क्लिक करिए एंड ओके कर दूँगा, प्रेस वाई एक सेकेंड। तो देखिए ऑन होते ही अपना खुद प्रिपेयर उसको करने लग गया है, प्रिपेयरिंग सिस्टम कह रहा है। इसमें कह रहा है कम से कम 6 मिनट लगेंगे, तो हम अभी जो हमारी इंक जो है हमारी अपनी पूरी मशीन में पहुंच रही होगी, तो अभी हम थोड़ा वेट करते हैं। तो दोस्तों प्रिंटर का जो है हमारा सेटअप जो है कंप्लीट हो चुका है, और अब हम जो करेंगे इसका इसके अंदर पेज डालेंगे, क्योंकि हमें कह रहा है कि आप इसके अंदर अपना पेज डालिए, इंसर्ट करिए। तो आपको पेज डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा पीछे करके आप इसको ऐसे इसकी ट्रे जो है पूरी की पूरी बाहर निकाल लेंगे। और अब हम जो है इसके अंदर हमारे जो है रेगुलर A4 की जो शीट्स हैं वो डालेंगे। तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं, अगर आपको डालना हो तो आप इसकी तरफ से भी डाल सकते हैं, जिससे पेज जो है आपका एडजस्ट से यहाँ से एडजस्ट कर लीजिएगा। और ये बंद करने के बाद आप है वापस इसको अंदर डाल दें। अब ये कह रहा है कि प्रेस ओके, तो आई थिंक हमें मोनो बटन दबाना पड़ेगा। तो देखिए मैंने मोनो बटन दबाया और वो स्टार्ट हो गया है। अब जो टेस्ट पेपर आई थिंक निकालेगा इसके अंदर से, तो हम एक सेकेंड वेट करते हैं और देखते हैं क्या बाहर आता है। तो सही देखिए ये पेज जो है हमारा बाहर आ गया है, और वो कह रहा है आप चेक कर लीजिए सारी सारी जो ब्लॉक्स हैं वो भरे हुए हैं कि नहीं भरे हुए। तो देखिए इसके जो कोई गैप तो नहीं है, कहीं कुछ ख़राब तो नहीं है। तो अगर यहाँ पे कुछ भी ब्लैंक स्टॉप स्पॉट छूटा हुआ तो समझ ले कि आपका प्रिंटर का आपको दोबारा से सेटअप करना पड़ेगा, दोबारा से पेज का टेस्ट निकालना पड़ेगा। तो अभी तक ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है कि प्रिंट क्वालिटी ओके कि नो, तो हम करेंगे यस, अच्छी है क्वालिटी। तो देखिए सेटअप जो है हमारा कंप्लीट हो गया है, वापस शुरू हो गया है 100% में, मतलब कि आपकी इंक जो है फुल है और आपका जो प्रिंट जब आएगा एकदम बढ़िया अब आएगा। तो दोस्तों काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है इसको वाईफाई से पहली बार कनेक्ट करने के लिए, तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे वाईफाई का बटन दबा है, तो आप यहाँ से भी वाईफाई का सेटअप कर सकते हैं। तो आपका अगर यस क्लिक करेंगे तो कभी कभी बहुत देर लगा देता है वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए। तो आपको सिंपल तरीका मैं बताता हूँ, तो आप इसको एग्जिट कर दीजिए, स्टॉप या एग्जिट का बटन दबाइए, तो देखिए बैक आ जाएगा। अब जाएंगे मेन्यू पे, मेन्यू पे देखें बहुत सारे ऑप्शन हैं, और यहाँ जाएंगे नेटवर्क पे, नेटवर्क के लिए आप ओके क्लिक करेंगे। तो ये डब्ल्यू लैन है और वाईफाई डायरेक्ट है। वाईफाई डायरेक्ट के अंदर क्या होगा कि डायरेक्टली आपके फ़ोन के वाईफाई से सॉरी फ़ोन से कनेक्ट हो जाएगा, फ़ोन से आप ऐप खाली यूज़ कर पाएंगे। और जो पहला ऑप्शन है जो डब्ल्यू लैन है, मतलब जितने भी आसपास जो फ़ोन्स हैं या हमारे एंड्रॉयड डिवाइसेज या iOS डिवाइसेज हैं, जितने भी उस घर के अंदर या ऑफिस के अंदर वाईफाई से कनेक्टेड होंगे, वो आदमी अगर फ़ोन पे प्रिंट की कमांड देगा तो वो सब एक कॉमन लोग इस प्रिंटर को यूज़ कर पाएंगे। तो हम डब्ल्यू लैन को क्लिक करेंगे, ओके। अब पूछेगा TCP/IP सेटअप है, यहाँ पे सेटअप विजेट पे नीचे जाके नंबर नंबर 2 है, और ओके करेंगे। अभी हमारा वाईफाई को सर्च करेगा, देखिए हेडवे आ गया हमारा, और हम करेंगे ओके क्लिक। अभी हमसे पासवर्ड मांगेगा, तो मैं अपने पासवर्ड डाल देता हूँ। तो आपको पासवर्ड कैसे डालना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे आपको थोड़ी देर लगेगी पर ऐसा ही है इसके अंदर। तो यहाँ मेरा नंबर वाला पासवर्ड है, तो अगर मैं ढूंढूंगा तो अल्फ़ाबेट में नंबर, थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो उसको मैंने अपना वाईफाई का पासवर्ड डाल दिया, फिर ऑप्शन कहता है अप्लाई सेटिंग्स, तो मैं इसके ओके करूँगा यस। तो अब ये डिफ़ॉल्ट हमारे जो है वाईफाई से मॉडम से जो कनेक्ट करेगा, और थोड़ी देर लग सकती है तो आपको वेट करना पड़ेगा। देखिए काफ़ी जल्दी हो गया है क्योंकि मेरा मॉडम जो है काफ़ी पास में था। और अब हम ओके क्लिक करेंगे, हमारा कनेक्ट हो गया है। अब हम एग्जिट करके देखेंगे और हम वापस अपनी ऐप के अंदर जाएंगे। तो दोस्तों आपको क्या करना है, अपनी वाईफाई की ऐप के लिए अपने प्ले स्टोर में जाना है, या आपका ऐप स्टोर जो भी है आप उसमें जाइए और यहाँ पे लिखिए ब्रदर प्रिंटर, और उसके बाद हम इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे। और इंस्टॉल होने के बाद हम इसी से ही ऐप से ही अपने सारे जो हैं अपने प्रिंटर को कंट्रोल कर सकते हैं,
और कनेक्ट कर सकते हैं, आपको प्रिंट स्कैन जो भी आपको करना है इस ऐप के थ्रू आप कर सकते हैं। तो हमारी ऐप जो है ऑलमोस्ट इंस्टॉल हो चुकी है और फिर हम देखेंगे कि कैसे चलेगी। दोस्तों हमने ऐप खोल ली है और यहाँ पे आपको परमिशन देनी होगी कि आपको फाइल्स वगैरह चलानी है, तो आप इसको स्क्रॉल सबसे नीचे करिए या यस करिए, और उसके बाद अब ये पूछ रहा है आपका डिवाइस कौन सा है, तो हम डिवाइस को सिलेक्ट करेंगे। अब ये पूछ रहा है एक्सेप्ट डिवाइस लोकेशन, आप चाहें तो इसको अलाउ कर सकते हैं, तो मैंने इसको अलाउ कर दिया है। तो यहाँ पे ढूंढ रहा होगा मेरा डिवाइस, अगर आपका डिवाइस यहाँ नहीं सर्च होता तो आप मैनुअली भी कर सकते हैं, अपना बस और अपना आईपी एड्रेस डालना पड़ेगा। दोस्तों अगर आपका यहाँ सर्च नहीं होता तो आप इसको कैंसिल करिए और आप सेटअप मैनुअली में जाएंगे और यहाँ अपना आईपी एड्रेस डालेंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, अपना जो वाईफाई का जो आईपी एड्रेस है वो यहाँ पे डालना पड़ेगा, अपना जो आपके जो है। तो दोस्तों अगर आपका वाईफाई जो है नहीं सर्च करता तो आपको बहुत ही एक और आसान तरीका बता देता हूँ। आप ये छोटी सी ऐप डालिए फिंग करके, ये जो भी आपके फ़ोन में जो वाईफाई से कनेक्टेड जो हों फ़ोन डिवाइसेस होंगे वो सारे डिवाइस आपको दिखा देगी आपके घर में जितने भी होंगे। तो आप अगर आप इसको खोलेंगे तो आपको देखेंगे कि हमारा जो है इसका जो है ये BRW मतलब ब्रदर का जो है हमारा सबसे लास्ट के अंदर जो है हमारा ये हमारा प्रिंटर है और हमारा ये आईपी एड्रेस है। तो यही आईपी एड्रेस हमने डालना है अपना प्रिंटर के अंदर, यहाँ डालूँगा 192.168.0.30। तो अगर मैं इसको सर्च करूँगा तो अगर आप देखेंगे तो हमारा प्रिंटर जो है वो सर्च इसको कर लेना चाहिए क्योंकि तो यही हमारा जो है वाईफाई से कनेक्टेड है प्रिंटर। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा प्रिंटर का जो नाम आ गया है, हमने अच्छे से आईपी एड्रेस डाला है और हम डालने के बाद देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो है अपने आप इससे कनेक्ट हो जाएगा और अपने आप सर्च कर सकते हैं। देखिए कनेक्ट हो गया और यहाँ पे पूछ रहा है कि आप क्या क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, मशीन की कुछ छोटी मोटी सेटिंग्स कर सकते हैं, तो आप इस ऐप से ही जो है वो काम कर सकते हैं। देखिए कॉपी प्रीव्यू का ऑप्शन है या स्कैन का ऑप्शन है, तो हम प्रिंट के ऑप्शन में जाएंगे और एक छोटी सी जो है फ़ोटो को प्रिंट करके देखेंगे। मैंने ऐसी स्क्रीनशॉट लिया था गूगल का और अब मैं इसको दूंगा प्रिंट की कमांड। तो देखिए मैंने कमांड दे दी और अब हमारा प्रिंट जो है वो हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ प्रिंट कर रहा है हमारा। तो हमारे जो फ़ोन से है वो मोडम पे गया और मोडम से डायरेक्ट हमारे प्रिंटर से डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है और वो ऑप्शन ले रहा है। यहाँ देखिए प्रिंट को करने के लिए उसने पेज अब शुरू कर दिया है, क्योंकि पहली कॉपी है तो शुरू शुरू में आपको थोड़ी देर लग सकती है और कलर प्रिंटर की कॉपी थोड़ी सी देर लगती ही है, आपको कम से कम 30-40 सेकेंड मिनिमम आपको रुकना ही पड़ेगा। तो दोस्तों ये देखिए हमारी जो है प्रिंट की कॉपी जो है बाहर आ गई है और आप ये देख सकते हैं गूगल मैप का जो है कुछ सर्च है और अगर आप देखें तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। फाइन प्रिंटिंग पे क्लिक करके देखेंगे काफ़ी अच्छी क्वालिटी, अगर मैं ऐसे देखूं तो ऐसा लगा कि मैंने फ़ोन पे गूगल खोल रखा है। तो दोस्तों नॉर्मल पेपर से तो हमने प्रिंट निकाल ही लिया है, ये हमारे पास ऑफिशियल फ़ोटो पेपर है जो हमारा A4 साइज़ के अंदर, ऐसे ग्लॉसी पेपर भी कहते हैं, जिनके अंदर आपकी रेगुलर जो फ़ोटोज़ हैं वो आप इसी पेपर पे मोस्टली प्रिंट करते हैं। दोस्तों आइए आपको कैसे डालना है, तो आप इसको इसकी ट्रे बाहर निकालेंगे। तो दोस्तों बहुत लोगों को नहीं पता होता, अगर जो ट्रे नीचे की तरफ से आती है, नीचे से निकल रही है, उसके अंदर आपको अपना जो पेज है ग्लॉसी साइड वो रखनी है नीचे की साइड, वरना अगर आपका जो प्लेन साइड है ये रफ सरफेस है यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो जिस साइड से भी आपको प्रिंट करना हो वो आपको साइड नीचे की तरफ रखनी है, जिस जो ट्रे नीचे से आती हैं। और अगर आपको ऊपर से डालना है तो अगर पीछे की जो साइड से यहाँ से अगर हम प्रिंट निकालेंगे तो यहाँ प्लेट चमकीली वाली साइड ऊपर रहेगी, तो ऐसे का ऐसे ही पेज हमारा
नीचे बाहर आएगा और यहाँ से प्रिंट होगा। तो सही है, इसको डालते हैं इसके अंदर। और अब हम इसको प्रिंट की कमांड देते हैं हमारी ऐप के थ्रू। दोस्तों हमारे प्रिंटर की ऐप पे आ गए हैं वापस। जर हम ऑप्शन देंगे हमारे प्रिंट पेज पे और हम सेलेक्ट करेंगे फ़ोटो और फोटो पे क्लिक करेंगे। ये मैंने फ़ोटो डाउनलोड करी है और ये फ़ोटो मैंने HD डाउनलोड करी है। और आप सिलेक्ट कर सकते हैं, इसके अंदर ग्लॉसी पेपर मैंने ऑलरेडी कर रखा है, A4 हमारा साइज़ है। और हमें करनी है कलर फ़ोटो, तो आप कलर पे क्लिक कर दिएगा। क्वालिटी जो है आपको बेस्ट जैसी चाहिए, अगर आप फाइन क्वालिटी पे करेंगे तो थोड़ी सी इंक आपकी जो है थोड़ी ज़्यादा लगेगी। तो हम यहाँ करके अब यहाँ पे इसको हम अपना प्रिंट का ऑप्शन दे देंगे तो वहाँ पे वो कमांड अपनी आ जाएगी। तो दोस्तों ऑलमोस्ट जो है हमारी फ़ोटो जो है प्रिंट हो चुकी है और इसको कम से कम हमें लगे हैं 3-4 मिनट हो गए, इसलिए मैंने अपनी वीडियो ही बंद कर दी थी क्योंकि इतनी देर आप भी बोर हो जाते हैं प्रिंट देखते देखते। तो दोस्तों इतना इंतज़ार किया है और देखते हैं कि इसकी प्रिंट क्वालिटी कैसी है। और पेज जो है हमारा ऑलमोस्ट आधा बाहर आ ही गया है। मैंने जो है ये हमारा पेपर है, ऐसी रेगुलर पेपर है की करके, ये मुझे पड़ा है 6 रुपये का एक पेपर। और अगर आप चाहें तो और भी बढ़िया क्वालिटी का प्रिंटर ले सकते हैं, तो आपकी प्रिंटर की क्वालिटी, फोटो की क्वालिटी और भी बेटर आएगी। तो दोस्तों देखिए ये है हमारी जो है फोटो जो प्रिंट हो चुकी है और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी की फ़ोटो आई है। अगर मैं इसी से कंपेयर करूँ जो मेरे से गलती से हो गई थी, देखिए ये हमारी है नॉर्मल रफ पेपर पे, ये इस वाले पेज की बैक साइड है। अगर अब आगे की तरफ देखेंगे तो आपको अपने आप फ़र्क पता चल जाएगा कितनी अच्छी क्वालिटी इसकी आई है। अगर मैं पास से आपको दिखाऊं तो कहीं से भी कोई पिक्सल नहीं फटे, क्योंकि मेरी फ़ोटो की जो क्वालिटी थी वो बेटर थी। और प्रिंट भी, प्रिंटर पेपर भी जो हमारा ग्लॉसी वो भी मुझे ठीक ठाक कंपनी का ही लग रहा है, ऐसा कोई बुरा नहीं लग रहा। तो दोस्तों ये था हमारे ब्रदर के प्रिंटर का सेटअप। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन पे मैसेज करके पूछ सकते हैं कि आपको कोई दिक्कत है, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि उसका जवाब दूँ या उसका सोल्यूशन निकालूँ। तो ये हमारा टेस्ट पेपर है, आप इसे चेक कर सकते हैं। देखिए अलग से लाइन आप चेक कर सकते हैं, इस पर डेट भी आ रखी है, दिन भी आ रखा है, सब कुछ आ रखा है। तो दोस्तों एक और बहुत ही काम की चीज़ है, अगर आपको जैसे कंप्यूटर से जब आपको कनेक्ट करना हो या लैपटॉप से, तो उसके लिए आपको ऐप डालनी पड़ेगी। और ऐप डालने के बाद आपको ये USB वायर की ज़रूरत पड़ेगी, पुराने कंप्यूटर में जैसे होती थी। तो आप उसको वायर कहाँ लगाएंगे, कई लोग को पता नहीं होता वायर कहाँ लगाएंगे, क्योंकि मैं 2-4 वीडियोस देखी उसमें बताते ही नहीं है कि वायर लगती कहाँ है। तो मैं आपको बताऊँगा, आप इसको ब्रदर वाले सेटअप को ऊपर से देखेंगे, ये जो ब्रदर का नाम यहाँ ख़त्म हो रहा है, यहाँ से इसको ऊपर उठाएंगे, सॉरी आप इसको दूसरी तरफ से उठाएंगे तो आपका पूरा उठ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ लॉक हो गया। और अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारा USB का स्लॉट है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है USB, अगर आप देख आपको नज़र आ रहा हो तो। यहाँ से जो मेरी वायर पूरी की पूरी यहाँ कनेक्ट होगी और यहीं से आप इसी के अंदर से ही देखिए यहाँ पे गैप बनी हुई है, छोटा सा एरिया बना हुआ है, यहीं से वायर जाके पीछे की तरफ निकल जाएगी। और आप इसको तब इसको बंद कर लें तो आपकी जो है वायर जो है पीछे की तरफ आएगी और आपको दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, हम अपनी अगली वीडियो में इसकी प्रिंट क्वालिटी निकालने देखेंगे और देखेंगे वाईफाई से आपको कैसे कनेक्ट करना है। तो सभी लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।